फरीदाबाद के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने कमिश्नर ऑफिस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संजय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है, जिसे वो पुख्ता किया जा रहा है। जहां उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि कमजोर तबके के लोगों को न्याय मिल सके, ताकि कमजोर तबके की पहुंच कानून तक बनी रहे। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून की पालना का मतलब सिर्फ पब्लिक से कानून की पालना करवाना नहीं होता, उसमें पुलिस की शामिल भी होना होता है, क्योंकि कोई भी पुलिसकर्मी अपनी हद से बाहर जाकर काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज आप लोगों के समक्ष मैं रूबरू हुआ हूँ ज्वाइन करने के बाद एज ए पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, और कुछ प्राथमिकताएं हमने बताई हैं। प्राथमिकताएं तो जो पुलिस की जिम्मेवारी है, जो मेन संविधान के अनुसार जो हमारे रोल दिए हुए हैं, वो जिम्मेवारी पूर्णतः निभाई जाएगी। सबसे पहली जिम्मेवारी जो होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है। कानून व्यवस्था फरीदाबाद ज़िले में मेंटेन रहे, कहीं कोई कानून की उल्लंघना ना हो, उसके बारे में जो भी कार्रवाई की ज़रूरत होती है वो पुलिस करेगी। अपराध नियंत्रण में हो, बल्कि कमी आए उसमें, और ख़ास करके जो कमज़ोर तबका है, महिला हो गई, SC ST हो गए, लेबर क्लास हो गया, या गरीब तबका जो है जिसको कानून की एक्सेस कई बार कम होती है, हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि उनको न्याय मिले, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो और कानून की जो पहुंच है उन तक हो। ट्रैफिक से रिलेटेड जो फरीदाबाद की समस्याएं हैं, उस पर जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमें पब्लिक का और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा और इसमें हम इम्प्रूवमेंट करने में सफल होंगे।